subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का मेथड में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड और वेरी वेरी इजी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाएंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये एक मेथड है समीकरण इक्वेशन सॉल्व करने का, वेरी 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 इजी है। देखो बेटा, जानते ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। दूसरा समीकरण ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं लग रहा है, तब क्या करेंगे? ये जो समीकरण फर्स्ट मानते हैं इसको सेकंड, तो फर्स्ट किया तो सबका नाम वन वन कर दिया, वन वन वन। अब आप देखा वन वन हो गया, इसमें टू टू का लगा दिया, ए टू बी टू और ये सी टू लग गया, अलग अलग नाम हो गया। अब ये बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में ध्यान दीजिए, एक्स यदि हमको निकालना है तो एक्स बटा एक्स को ढक दिया और कोना कोनी मल्टीप्लाई ढंग से इसके कोफिशियंट से, इसके कोफिशियंट में क्या है बी वन, तो चलिए बी वन इसको मल्टीप्लाई ये सी टू से, तो सी टू अब ब्रैकेट वन, फिर माइनस इसके जस्ट आगे ये है सीरियली ऑर्डर से सी वन को, फिर बी टू के साथ सी वन गुना बी टू। तो आपने देखा एक्स कैसे निकाला, एक्स की हमें आवश्यकता थी, एक्स निकालना है तो एक्स वाले को ढक दिया और तब इसके जस्ट आगे में इन्हीं के अभी आगे यहां से यहां सीरियल ऑर्डर से इसको इससे कोना कोनी, क्रॉस का मतलब होता है कोना कोनी, और फिर इसको इसके साथ इस प्रकार से, फिर बराबर का चिन्ह दिया, एक्स का सम हो गया। वाई निकालना है तो वाई ऊपर रखेंगे और वाई वाला को ढकेंगे, तो वाई के ठीक आगे में सी वन है तो लिखिए सी वन, इसको गुना होगा कोना कोनी, कोना में आ गया ए टू, देखिए अपना कॉपी में ये सी टू ए सी वन के जस्ट कोना में ए टू है, और माइनस अब इसके बाद आगे में जीरो है, चलिए फिर से बैक से ए वन, ए वन के कोना में सी टू है तो ए वन गुना सी टू। वाई वाला समझा, वाई के लिए वाई को ढका, वाई के आगे क्या है सी वन और C1 को गुना कोना कोनी में A2 आया, फिर अगला स्टेप में इसके आगे तो जीरो है तो फिर स्टार्ट से चलेंगे, तो स्टार्ट में A1 है तो A1 को गुना करेंगे इसके कोना कोनी में C2 से। अब इसका अगला स्टेप कांस्टेंट टर्म के बदला वन लिखा जाता है, सी सी का मतलब कांस्टेंट टर्म और इसके बदले में वन लिखा जाता है, इस बार इसको ढक दिया, देखो यहां ध्यान इसको ढक दिया तो क्या आएगा, यहां से फिर ए वन बी टू और बी वन ए टू नहीं हुआ कोना कोनी, बात आई समझ में? जब हमने कांस्टेंट लिया ये कांस्टेंट तो इसको ढका, वाई लिया था तो वाई को ढका था, एक्स लिया था तो एक्स को ढका था और कोना कोनी काम किया था, यही ट्रिक है। आप दो बार चार बार इस ट्रिक का यूज करके, और वेरी वेरी इजी, इसलिए कहा कि यदि साइन सही सही देंगे प्लस माइनस का गलती नहीं करेंगे तो वेरी वेरी इजी है, सब विधि से आसान विधि लगेगा। चलते हैं अब, इसको ढक लिया तो क्या आएगा कोना कोनी में, ए वन को बी टू के साथ क्या आया, ए वन गुना में बी टू और फिर माइनस बी वन को गुना में ए टू। तो आपने देखा कितनी आसान है ये, इस विधि का यूज करके हम फटाफट लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे बनेगा एक एग्जांपल ले लीजिए और उन्हें बनाएंगे समझेंगे, वेरी वेरी इजी है, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, ये आप ही के बुक से, आप ही के बुक से कोई भी एक एग्जांपल ले लिया। चलते हैं एक्सरसाइज
एक्सरसाइज में भी है, खूब बड़ा हुआ है एक्सरसाइज में भी। तो कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आएगा, और वेरी वेरी इजी भी है, बहुत आसान है। आप इन्हें ढंग से मान भरेंगे। चलिए कोई भी एग्जांपल, आपको जो मर्जी वो एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल 3x-5y, एक एग्जांपल और कैसे सेट करेगा। 3x-5y बराबर में 4, 3x-5y बराबर 4, 9x-2y, 9x-2y, 9x-2y इक्वल टू 7। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। अभी आप देख रहे हो, या तो इसको इधर करेंगे तब इस फॉर्म में आएगा, इसको बैक इधर ले जाएंगे LHS तरफ में तब इस फॉर्म में आएगा। अगर ऐसे ही लिख दिया तो साफ गलती नहीं होगी, आप ही को प्लस माइनस में कहीं कहीं असुविधा हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इसीलिए प्रयास रखेंगे कि बराबर के इधर ही ले आए इसको। तो क्या आएगा, ये 3x-5y-4 इज इक्वल टू 0 और 9x-2y-7 0। देखा, इधर ले आए सिर्फ ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, कोई चेंजिंग नहीं किया है, इसीलिए इसका नाम भी नहीं बदलेगा, फर्स्ट सेकंड रहेगा। लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, सॉल्व करना है तो लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या सिखाए थे बेटा, ध्यान दो, एक्स निकालना है तो एक्स को ढका, कोना कोनी में -5 तो माइनस में 7 है, -5 आप देख रहे हो, -5 है तो माइनस में 7 है, मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का साइन फॉर्मूला में है, फिर इसके बाद में इसके आगे ये माइनस में 4 और मल्टीप्लाई यहाँ माइनस में 2। देखा, साइन के साथ लिखते हैं कि बराबर एक्स, एक्स वाला बात समझा, क्या क्या एक्स में, क्या क्या एक्स में, एक्स निकालना था, एक्स को ढक दिया, और जब एक्स को ढक दिया तो क्या आया, ये इसके वाई के कोफिशियंट -5 और ये 7, फिर इसके आगे ये 4 और ये 2। इसी प्रकार हम वाई को ढकेंगे, जिसके आगे में -4 है, -4 का कोना कोनी में 9 जाएगा, एक्स के बगल में 9 है तो -4 और 9, फिर माइनस, इसके बाद फिर स्टार्टिंग से 3 है और 3 के बाद ये माइनस में 7 है। चलिए देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। फिर इसके अगला स्टेप वाई समझा, वाई निकाला तो हमने वाई को ढक दिया, वाई के आगे में ये है 4, इसका कोना कोनी में 9 गया, देखिए आपने कॉपी पर, इसके बाद 3, इसके जस्ट बाद फिर स्टार्टिंग से तो 3 के साथ -7 जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि y निकल गया, और यही फॉर्मूला भी है क्रॉस वाला। अब ये 1 कांस्टेंट पार्टी आया तो इसको ढका तो यहाँ पर 1 लिखा जाता है, और 1 के बाद फिर स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग यहाँ है, 3 को क्या करेंगे -2 के साथ, और तब फिर माइनस, और -5 को क्या करेंगे 9 के साथ। अब आप देखा फिर से कांस्टेंट लिया तो 3 को -2 और -5 को 9। तो ये साइन जो अभी दिया है प्लस माइनस, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इस विधि में। थोड़ा सा भी हड़बड़ाया साइन का, कहीं भी अगर प्लस माइनस का गलती हुआ तो पूरा सिस्टम गलत हो जाएगा। एक भी एक्स वाई में किसी का भी आंसर नहीं आएगा। तो यही सावधानी बरतना है आपको इस मेथड में।
इस मेथड क्या, किसी भी मेथड में साइन का हर हाल में अलर्ट होकर के भरना है। अब आपका ब्रेन परिपक्व हो चुका है, बच्चे नहीं है, और बच्चे तो है लेकिन आप नर्सरी का बच्चा नहीं है, जितने हाथ से बढ़ते हैं। तो अभी आप बिल्कुल ख्याल रखेंगे प्लस माइनस का, और जब साइन आपका सही सही हो जाएगा, साइन में कहीं गलतियां नहीं है, तो फिर क्या है आगे फटाफट आप याद करोगे सिंप्लीफाई का, वर्ड मास भी वर्ड मास होता है, देख लो। तो ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और फिर जो भी रूल है सिंप्लीफाई का, यहां से ब्रैकेट सब कुछ है, कुछ है नहीं, सिर्फ यहां पर ध्यान रखना है प्लस माइनस, जोड़ घटो गुना भागा भी नहीं है इसमें, जोड़ घटाओ और गुना और इसी से कम चल जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसमें क्या क्या होगा, एक्स बट्टा माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया 35, यहाँ एक दो तीन को माइनस है, देख लीजिए एक दो तीन माइनस तो माइनस रहेगा, चार दो आठ बराबर में वाई बट्टा, यहाँ दो है प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 36 माइनस माइनस दो को माइनस है, माइनस माइनस दो है, देखिए माइनस को प्लस फट से कर दिया, और साथ ही 21 इक्वल टू 1/, यहाँ पर देखिए माइनस में 6 आया, एक दो दो को माइनस है तो प्लस आ गया, और ये 45 देखा आपने, दो को माइनस तो प्लस आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, एक दो तीन को माइनस है, देखिए माइनस आ गया, यहाँ पर एक माइनस है तो माइनस आया, यहाँ पर एक एक दो है तो प्लस आया, यहाँ पर एक माइनस है तो माइनस आया, यहाँ एक दो है माइनस तो प्लस आया, यही सब ठीक है, ध्यान है, ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे आगे, इधर है निजाम जो घटा सो है सब काम कर लेते हैं, तो एक्स बट्टा कीजिए घटाइए 15 में से 8 7 15 27 प्लस में ही रहेगा, वाई बट्टा यहाँ माइनस में हो जाएगा, इसमें से घट गया तो 5 और 1, ये ज्यादा है इसमें से घटा है क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, तो इसमें से घटा है, जिसके पीछे माइनस है तो माइनस लगेगा, ऐसा तो आपको आता ही है। चलते हैं आगे 1/, ये देखिए ये क्या होगा, इसमें से घट रहा है माइनस ज्यादा का हुआ है, 15 में से 9 6 15 3 लगा गया है, आपने देखा इस प्रकार से हम उसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद बाई बाई से हल कर लेते हैं, एक बार इसको लेंगे साथ में, और एक बार इसको लेंगे साथ में, और सॉल्व कर लेंगे, आई बात समझ में, एक बार ई वेरिएबल को कॉन्स्टेंट के साथ इस बार इस वेरिएबल को इसके साथ कर लेंगे, और जैसे देखिए चूंकि एक्स बाय 27 और 1/39, और तब जब इसे आप एक्स निकालोगे तो एक्स बराबर 39 तो नीचा में ही रहेगा और नीचा जाएगा 27 ऊपर में, अब कटेगा 3 से कटेगा, 3 9 जा 3 1 जा, तो 9/30 ये आंसर आया एक्स का। इसी प्रकार वाई की जब चर्चा करेंगे तो वाई में बट्टा में माइनस 15 है और 1/39, फिर जब वाई निकालेंगे तो वाई के साथ में 39 नीचे आएगा और 15 ऊपर जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 5 जा तो माइनस में 5/13, यही दो आंसर आया इसका, कितना आसान है। अब आप इसमें प्रयास करेंगे, इस विधि में ट्राई करेंगे, बड़ा बड़ा लिख लिख करके और जितना भी पीछे पढ़ा है इक्वेशन, सभी इक्वेशन लिख लेंगे कॉपी पर, 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो इक्वेशन लिख लेंगे, इस विधि का यूज करेंगे, बड़ी मजा आएगा। यदि आपका प्लस माइनस का ख्याल रखेंगे कहीं गलती नहीं होगी, फटाफट आंसर भी आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।